ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ತೇರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರ್ತ ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತೇರು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಾಗ ಆ ತೇರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯವರು ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ತೇರನ್ನು ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆತನದವರು ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೇರು ಎಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸವಿನಂತಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಗಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ मैं जो है आपके सामने हिंदी जबान में बात करता हूँ, मुझे कलरी पसी नहीं आती है। ये तेर की यात्रा किस लिए बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये सब हम लोगों को मालूम है। ये तेर की यात्रा उस वक्त से शुरू हुई जब श्री राम जो है वनवास के लिए गए थे उत्तर प्रदेश बिहार की जंगलात में। उनकी वहाँ पर ऐसे घने जंगल थे, वो उनकी कोई मदद नहीं किया था। अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से बंदरों ने आके उनकी खिदमत की। बंदरों ने उनकी खिदमत किया और इसलिए बंदर जो है हिंदू मजहब के अंदर पवित्र पवित्र मानते हैं। उसी निस्बत से ये तेर है हनुमान मठ की तरफ से है, हनुमान मठ की तरफ से ये है। मैं सबसे पहले मेरे रब के हम्द बयान करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बाद में हनुमान चालीसा का एक पाठ आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं। मनोजवम मारुततुल यविगम जतेन्द्रम वंदे मतां वरिष्ठम श्री राम। उसके बाद फिर उपनिषद का एक पाठ आपको बताऊं। अनन्यश्चिन्तयन्तुमाम् परीय उपासते तस्या नित्यानाभियोक्तानाहम् योगसेम वहव्यम् परित्राणाय साधुना विनाशाय दुश्चित्तान् धर्मसंस्थापनार्थाय मम संभवामि युगे युगे सर्वधर्मानि परित्यजाति ममेकं शरणं रज। उसके बाद मैं आपको सीधा ये इसके अंदर बताया है, हर जात का आदमी जो है वो एक ही नाते से है। सर्वलोक एक नाकम भवी जहरम विषद निषेध गायंती सामगाहा बताया हुआ है। ये पूरा इंसान पूरा कुंभा एक नाते से है। अपना चेहरा जो है हरम की तरफ फेरो। हमारे इस्लाम के अंदर है हरम यानी मक्का की तरफ अपना रुख, क्योंकि ये खुदा की प्रार्थना करो। सर्व रो का ये एक नाजम भवी जहरम चरण निषेध गायन की रामा गाहो
गाय की मिसाल की तरह हम हैं। गाय अपने अंदर तमाम चीज़ें रखती है, दूध रखती है अपने अंदर, घी रखती है, मक्खन रखती है और सबको एक सा पैदा देती है। इसलिए हिंदू धर्म के अंदर गाय को जो है पवित्र माना है, वो अपनी माँ माना है इसको, इसलिए हमको भी इसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता है कि गाय ये है, अल्लाह ताला ने हमको, ईश्वर ने हमको सबको एक कुटुंब बनाया, एक कुटुंब और एक नाते से पैदा किया, एक औरत से आदम और हव्वा से पैदा किया, उसको आप लोग, हम लोग आदम बोलते हैं, आप लोग मनुष्य मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य के माने है ईश्य यानी इंसान, मनु यानी मिट्टी संस्कृत जबान में, मनुष्य यानी उससे मनुष्य बना, ये मनुष्य जो है इंसान बना मिट्टी से, आदम मिट्टी से बनाया और उसकी जो औरत जो है उनकी पसली से निकली और उससे पूरी दुनिया का इंसान पैदा हुआ। हम आज एक दूसरे के इंसान का गला घोटने के लिए पीछे हैं, दुश्मन हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम सब ये है, हमारी खैरुन्निसा भी हमारी स्त्री है और शकुंतला भी हमारी बहन है, पार्वती भी हमारी बहन है, सरस्वती भी हमारी बहन है, मरियम भी हमारी बहन है। ऐसा मान के अगर हम दुनिया में जिएंगे तो हमारे अंदर जो है झगड़ा और फसाद नहीं होगा। झगड़ा फसाद कौन लगाते? मुलुक के लोग नहीं लगाते, ये मेरे बेटे बच्चे लोग आए हुए हैं, ये क्यों आए हुए हैं? ये रथ की यात्रा जो है इसकी क्या मिसाल है? ब्रिटिश के ज़माने में ये जो रथ बनाने के लिए नहीं देते थे, उस वक्त कोई सामने नहीं आया था, चिरकिन सिद्दी मोहम्मद साहब ने, उन्होंने तामीन भरा उस वक्त, यानी उसका जो है ये बना भरा, पास डिपॉजिट भरा 500 रुपया और बोले मेरी तरफ से रथ कायम रहना चाहिए। उनका एक विचन है, 3 आदमी का दस्तखत बनाया उसमें, चिट्टिकुटू रामा, बस्ती नायप्पा और हमारे जो है दादा, वो लिखा हुआ अभी तक पुलिस स्टेशन में और दिल्ली के इसमें बाकी है। ब्रिटिश के ज़माने में उस वक्त से ही यादगार चालू रही, आज तक है और ता क़यामत रहेगी। वो लोग कहते हैं ये घर में एक पत्थर भी बाकी रहा, उस वक्त पुराना हमारा टूटा फूटा मकान था, उस वक्त भी ये लोग आए हमारे यहाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी बिल्डिंग हो गई, फिर भी आज उधर ही आते हैं, समझे? ये जमीन का आविष्कार है। हमारे नौजवान, हिंदू नौजवान सब भाई भाई हैं, हिल मिल से रहना चाहिए, कभी भी झगड़ा और फसाद से नहीं रहना। ये हमारा भटकल जो है ये बहुत पवित्र है, बहुत पाक है, इसको जो है ये इसको जो है हम कहते हैं रहमताबाद, जिसमें अल्लाह की रहमत और उसका ये है आशीर्वाद हमारे भटकल में है। आज तक इधर हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। यहाँ पर रात को देवस्थान में घंटी बजती है और मस्जिद में अजान होती है, ये भी इधर हम उससे हम अपने काम में लगे रहते हैं। योग से आता हूँ।